हेलो गाइस, वेलकम टू रॉयल राजा। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी बाइक की सर्विस कब करवाएं। उनको ये आइडिया नहीं होता है, ना ही पता होता है कि रॉयल इनफील्ड कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊँ सर्विस के बारे में, तो रॉयल इनफील्ड जो होती है वो ऑयल यूज़ करती है सेमी सिंथेटिक। देखिए दोस्तों, ऑयल जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक तो आपका जो जनरल ऑयल होता है, और एक होता है सेमी सिंथेटिक, और दूसरा होता है सिंथेटिक ऑयल। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सिंथेटिक ऑयल की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं जो हमारी इंडियन बाइक्स वगैरह होती हैं। सिंथेटिक ऑयल उन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो ऑयल जो है जमता नहीं है ठंडे इलाके में, इसलिए वो सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे हिसाब से सेमी सिंथेटिक ऑयल जो होता है वो कारगर होता है इंडियन व्हीकल्स के लिए, और जो सेमी सिंथेटिक ऑयल होता है वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, रॉयल इनफील्ड भी सेमी सिंथेटिक ऑयल अब यूज़ करने लगी है। पहले आज से कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीने पहले तक, वो जो ऑयल यूज़ करते थे वो ऑयल यूज़ करते थे जो जनरल ऑयल होता है, लेकिन अब उन्होंने सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जो नॉर्मल ऑयल था उस ऑयल से आपकी बाइक 3000 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर पाती थी, बट अब जो सेमी सिंथेटिक ऑयल है उससे आपकी बाइक 4000 टू 5000 किलोमीटर्स तक, जी हाँ दोस्तों, 4000 टू 5000 किलोमीटर तक आप अपनी बाइक को उस ऑयल के थ्रू ले जा सकते हैं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दैट। और ड्यूरेशन की बात करते हैं कुछ लोग, तो मैं आपको बता दूँ कि ड्यूरेशन बोला जाता है, कंपनी जो बताती है वो 3 मंथ्स के लिए बताती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी बाइक उतना नहीं चली है तो आपका ऑयल डैमेज नहीं होता है, आप उस ऑयल से अपनी बाइक को थ्रू आउट द ईयर चला सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 1 साल में तो अपनी बाइक की सर्विस ज़रूर करा लें, ऑयल ज़रूर चेंज करा लें। अगर आपकी बाइक 1 साल में 4000 किलोमीटर नहीं चल रही है तो आप 1 साल तक वेट करें, 1 साल के बाद ही उस बाइक की सर्विस आप करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपके बहुत सारे जो डाउट थे सर्विस को लेकर और ऑयल को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे इस छोटे से वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।